Today we are going to discuss the analytical definitions regarding different conic sections and different terms regarding the conic section. सबसे पहले बात करते हैं कि conic section. What do you mean by conic section? Definition लिखिए बेटा जी. Conic section is the locus of a moving point. With the distance between a fixed point from the moving point. Excuse me, sir. From the moving point. Fixed point from the moving point to the distance of a fixed line. Means to say क्या है conic section जो हम लोग chapter continue कर रहे हैं इसी में हमारे पास different conic मैंने आपको बोले थे circles हैं parabola हैं ellipse हैं hyperbola हैं. Circle क्या होता है कि जब हम लोग double cone को एक plane surface के साथ 90 degree पे cut करते हैं तो वो circle आ जाता है. But to some extent circle को हम लोग conic नहीं consider करते हैं. ठीक है, चाहे ये conic section का ही part होता है, to some extent इसको हम लोग circle consider नहीं करते हैं. हमारे पास सर्कल को कोनिक नहीं कंसीडर करते. हमारे पास कोनिक सेक्शन के तीन मेन पार्ट्स होते हैं, पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला. अब यहाँ पे जो ये कोनिक सेक्शन की एनालिटिकल डेफिनेशन है, इट डिफाइंस द थ्री टर्म्स पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला. अब जो ये डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली मैं आपको एक डायग्राम बताता हूँ. लेट अस कंसीडर हमारे पास एक ये फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन है एल, और यहाँ पे मेरे पास एक फिक्स्ड पॉइंट है एस. ठीक है जी, मैं एक मूविंग पॉइंट पी कंसिडर कर लेता हूं, मूविंग पॉइंट पी, और ये पॉइंट इस तरह से मूव कर रहा है, और ये मूव इस तरह से कर रहा है कि इस पॉइंट का फिक्स्ड पॉइंट एस से डिस्टेंस और इस पॉइंट का स्ट्रेट लाइन जो एल है इससे डिस्टेंस. लेट अस कंसिडर दिस इज कैपिटल एम. जो रेशियो एस पी ओवर एम पी है या पी एम ओवर एस पी रेशियो है, That is a constant ratio, और ये constant ratio ही हमारे पास conics को define करती है. ठीक है जी, अगर ये constant ratio, मैं मतलब क्या होता है कि ये जो constant ratio होती है ये less than one भी होती है, greater than one भी होती है, और is equals to one भी होती है. तो जिस तरह से हमारे पास less than one, greater than one और equal to one आता है, तो उसके accordingly हमारे पास different conics बनते हैं. अगर ये constant ratio हमारे पास one होती है तो हमारे पास parabola आता है. अगर कांस्टेंट रेशियो लेस देन वन आती है तो हमारे पास जो कोनिक आता है दैट इज एलिप्स, और अगर ये कांस्टेंट रेशियो ग्रेटर देन वन आती है तो हमारे पास जो ये कोनिक आता है दैट इज हाइपरबोला. अंडरस्टैंड, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू कोनिक सेक्शन. कोनिक सेक्शन के साथ रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स. नंबर वन इज फोकस. इसके साथ ही हम लोगों ने जो कोनिक की डेफिनेशन लिखी है इसके साथ ही हम लोगों ने कंटिन्यू करना है फोकस. तो इसमें हम लोग कहेंगे हियर द फिक्स्ड पॉइंट एस इज कॉल्ड फोकस ऑफ कोनिक. और एक बात याद रखिएगा कि पैराबोला के केस में हमारे पास सिर्फ एक फोकस होता है, लेकिन इलिप्स और हाइपरबोला के केस में हमारे पास दो फोकस होते हैं, और उनको हम लोग फोकाई कह देते हैं. जैसे रेडियस का प्लूरल हम लोग रेडियाई यूज करते थे, इसी तरह से फोकस का प्लूरल वर्ड हम लोग फोकाई यूज करते हैं. लेकिन पैराबोला के केस में सिर्फ एक ही फोकस होता है, इलिप्स और हाइपरबोला के केस में हमारे पास दो फोकस होते हैं. ठीक है जी, नाउ सेकंड, डायरेक्ट्रिक्स. अब डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, द फिक्स्ड लाइन एल, जो अभी कोनिक सेक्शन की डेफिनेशन लिखी है, द फिक्स्ड लाइन एल इज कॉल्ड
द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ कोनिक, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ कोनिक सेक्शन। अगेन फिर से एक बार, जितने फोकस होते हैं एक बार याद रख लीजिएगा कोनिक में उतनी ही डायरेक्ट्रिक्स होती हैं, क्योंकि फोकस के साथ ही डायरेक्ट्रिक्स के डिस्टेंस की रेशियो निकाली जाएगी। अगर एक फोकस है तो आपके पास एक डायरेक्ट्रिक्स होगी, लेकिन अगर दो फोकस होंगे तो हमारे पास दो डायरेक्ट्रिक्स होंगी। तो इसका मतलब एलिप्स और हाइपरबोला में हमारे पास दो डायरेक्ट्रिक्स होंगी, ठीक है जी। थर्ड वन इज इसेंट्रिसिटी, ई डबल सी ई एन टी आर आई सी आई टी वाई, इसेंट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। यहां पे लिखेंगे द फिक्स्ड रेशियो, जिसकी हमने बात की थी, द फिक्स्ड रेशियो इज कॉल्ड द इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी ई डबल सी इसेंट्रिसिटी ऑफ द कोनिक। और इसके साथ आप लोग यहां पे स्पेशली मेंशन कर सकते हैं ए पार्ट इफ ई इज लेस देन वन, बी पार्ट if e is equals to 1, and third part if e is greater than 1, ठीक है जी। अगर e less than 1 है, conic is an ellipse, ratio अगर मतलब less than 1 है तो हमारे पास conic जो है ellipse आएगा, अगर ratio e is equals to 1 है then conic is parabola, and third one if e is greater than 1 then conic is hyperbola, ठीक है जी। नोट कीजिए वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स से पहले ऐसे कर लेते हैं, एक्सेस ऑफ कोनिक सेक्शन लिखते हैं, एक्सेस ऑफ कोनिक, कोनिक सेक्शन का एक्सेस क्या होता है, इसमें हम लोग ये कहेंगे स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स। कोई भी स्ट्रेट लाइन जो उसके फोकस में से पास हो रही है और परपेंडिकुलर टू स्ट्रेट लाइन डायरेक्ट्रिक्स है इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ कोनिक, इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ कोनिक। अगर हम लोग इसी डायग्राम की बात करें जो मैंने यहाँ पे साइड पे आपको डायग्राम बना के दिखाई है, मैं दोबारा से डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। इस तरह से हम लोग लेट अस सपोज की कर्व ड्रॉ कर रहे हैं, ये मेरे पास फिक्स पॉइंट एस है, यहां से एक स्ट्रेट लाइन पास हो रही है जो इस डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर है, फोकस से पास होने वाली लाइन और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर लाइन, दिस इज नोन एज द एक्सिस ऑफ द कोनिक सेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट इज वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या हो जाएगा, the point of intersection of, the point of intersection of curve and axis of conic, axis of conic is called the vertex of conic section, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व। यहाँ पे जो भी कर्व हमारे पास बन रहा है, चाहे पैराबोला बने, चाहे एलिप्स बने, चाहे हाइपरबोला बने, उसको और ये जो एक्सिस है उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये देखिए ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, देन दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल एक्ट एज द वर्टेक्स ऑफ द कोनिक। और इसके बाद लास्ट हमारे पास आती है लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम ऐसे ही ग्रीक लैंग्वेज में इसका नाम लिखा हुआ, अदरवाइज लेटस रेक्टम क्या होता है, इधर मेरा ध्यान दीजिए यहाँ पे। Let us consider मेरे पास ये कर्व है, मुझे नहीं पता कौन सा कर्व है, पैराबोला है, एलिप्स है या हाइपरबोला है। यहाँ फोकस में से अगर कोई कॉर्ड पास होती है और वो एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, एनी कॉर्ड पासिंग थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द कोनिक, एनी कॉर्ड पासिंग थ्रू फोकस and perpendicular to axis is called the latus rectum, और इसको एल आर के साथ डिनोट किया जाता है। कोई भी कॉर्ड जो फोकस में से पास हो रही हो और एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, दैट इज नोन एज द latus rectum ऑफ द कोनिक। इट इज
या एस डीजे अ पैराबोला इज द लोकस, अ पैराबोला इज द लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट is the locus of a moving point which moves in a plane in such a way that its distance from a fixed point such that its distance from a fixed point to its distance from a fixed straight line is always equal. अभी जो मैंने एनालिटिकल डेफिनेशन बताई है उसके अकॉर्डिंगली सेम डायग्राम हम लोग फिर से यहां पे ड्रॉ करेंगे. ये एक फिक्स पॉइंट है S and this is a fixed straight line L. ठीक है जी. अब हम लोग क्या करते हैं, यहां पे मैं एक मूविंग पॉइंट P कंसीडर कर लेता हूं और अगर P का डिस्टेंस S और P का डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन से M कंसीडर किया जाता है तो इट मींस पैराबोला की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंग टू फिगर SP डिस्टेंस इज इक्वल टू PM डिस्टेंस. SP distance is equals to PM distance, or in other words, distance SP over distance PM is equals to 1. दोनों साइड को PM से डिवाइड कर दिया डिस्टेंस है. तो अब यहाँ पे ये देखिए, जब मैंने कोनिक की डेफिनेशन लिखवाई थी तो मैंने एक टर्म यूज की थी इसेंट्रिसिटी. इसेंट्रिसिटी की डेफिनेशन मैंने क्या लिखवाई थी कि जो दो डिस्टेंस की रेशियो है दैट इज नोन एज इसेंट्रिसिटी. यहाँ पे देखिए SP इज वन डिस्टेंस, PM इज सेकंड डिस्टेंस और दोनों डिस्टेंस की रेशियो निकाली तो मेरे पास आंसर क्या आया है, 1 आया है, दैट इज E इज इक्वल्स टू 1. इसेंट्रिसिटी को हम लोग जनरली स्मॉल e से डिनोट करते हैं. तो ये पैराबोला की एनालिटिकल डेफिनेशन है कि जो ये मूविंग पॉइंट P है इसका डिस्टेंस, अगर मैं P को यहाँ की बजाय कहीं पे भी कंसिडर कर लूं, लेट अस कंसिडर कि मैं P पॉइंट यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ, अभी यहाँ पे पॉइंट P था तो यहाँ पे P1 हो जाएगा, तो P1S और P1M का डिस्टेंस भी सेम होएगा. सिमिलरली P2S और P2M का डिस्टेंस अगेन सेम रहेगा. मतलब क्या है कि जो ये पॉइंट P है इस तरह से मूव करना चाहिए कि इसका फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस और फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस दोनों आपस में सेम होने चाहिए. Only then we can say that we got a locus of parabola या we got a conic section of the form parabola. ठीक है जी. उसके बाद फर्स्ट जो फॉर्म होती है वो इस तरह से होता है कि ये पैराबोला ओरिजिन से टच करके निकल जाता है. ठीक है जी. दिस इज नोन एज राइट पैराबोला और इसकी इक्वेशन हमारे पास होती है वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax. इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax. उसके बाद सेकेंड हमारे पास जो डायग्राम बनती है, अगेन छोटा सा हम लोग एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं. दिस इज एक्स डैश एक्स वाई एंड वाई डैश. अब की बार जो है वो इस साइड से जाता है और चेक कीजिए ये कर्व जो है एक्सिस एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल है एंड दिस इज नोन एज लेफ्ट पैराबोला और इसकी इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax. लेफ्ट पैराबोला y square is equals to minus 4ax. इसके बाद थर्ड डायग्राम, अगेन एक्सिस ड्रॉ करते हैं. दिस इज x डैश x, दिस इज y डैश एंड इस तरह से इसकी डायग्राम बनती है. और हर एक डायग्राम में आपने देखना है कि ओरिजिन को टच करके पास करता है और एक्सिस के सिमेट्रिकल होता है. दिस इज अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला एंड इट्स इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay. अपवर्ड पैराबोला एंड इट्स इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay एंड लास्ट स्टैंडर्ड फॉर्म
दिस इज एक्स डैश एक्स वाई एंड वाई डैश और ये इस तरह से होता है ठीक है जी एंड इज नोन एज डाउनवर्ड पैराबोला डाउनवर्ड पैराबोला एंड इट्स इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस फोर ए वाई ठीक है जी चार तरह का पैराबोला होता है हमारे पास फर्स्ट वन इज वाई स्क्वायर इक्वल्स टू फोर ए एक्स वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस फोर ए एक्स एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू फोर ए वाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस फोर ए वाई पैराबोला की मतलब कई बार क्या होता है कि सिर्फ स्टेटमेंट दी हुई होती है और हमको ये कहा होता है कि वन मार्क का क्वेश्चन है कि कौन सा पैराबोला पहली बात तो ये है कि स्टेटमेंट को देखकर कैसे पता चलता है कि हमारे पास ये पैराबोला है जैसे मैंने आपको सर्कल के फॉर्म में बताया था कि सर्कल में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाली टर्म होती है और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का क्वेश्चन या वन होता है या सेम होता है पैराबोला में क्या होता है कि एक जो वेरिएबल होता है उसकी पावर टू होती है दूसरे वेरिएबल की पावर वन होती है यहाँ पे चेक कीजिए y की पावर 2 है यहाँ y की पावर 2 है लेकिन x की पावर कितनी है 1 सिमिलरली हियर x की पावर 2 है x की पावर 2 है बट y की पावर हमारे पास क्या है 1 है इट मींस एक वेरिएबल की पावर 2 है और एक वेरिएबल की पावर 1 है तो हमारे पास जो कॉनिक सेक्शन है या जो कर्व हमारे पास आता है दैट इज अ पैराबोला y square equals to 4ax right parabola y square equals to minus 4ax left parabola x square equals to 4ay upward parabola and x square equals to minus 4ay is downward parabola अब इसी इन्हीं डायग्राम्स के ऊपर आप लोगों ने कुछ और चीजें ड्रॉ करनी है अब क्योंकि ये x एक्सिस है x एक्सिस के ऊपर मैं अगर इसका फोकस कंसीडर करना चाहता हूं तो मैं a comma 0 कंसीडर करता हूं x एक्सिस के ऊपर पॉइंट x comma 0 के फॉर्म का होता है सो इट्स फोकस विल बी a comma 0 और अगर इधर बात करें तो इट्स फोकस विल बिकम इक्वल्स टू माइनस ए कॉमा जीरो क्योंकि नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस है सिमिलरली अगर थर्ड पैराबोला की बात करें तो ये जीरो कॉमा ए की फॉर्म में इसका फोकस होता है एंड फोर्थ पैराबोला की बात करें तो जीरो कॉमा माइनस ए की फॉर्म का इसका फोकस होता है क्योंकि थर्ड और फोर्थ केस में हमारे पास जो इसका एक्सिस होता है दैट इज वाई एक्सिस ठीक है जी अब इसके बाद बात करें डायरेक्ट्रिक्स क्योंकि जब भी हम लोगों ने कोई भी कॉनिक सेक्शन पढ़ना है उसमें हम लोगों ने जो डिफरेंट डेफिनेशन मैंने आपको लिखवाई है उन डेफिनेशन के बारे में पता होना चाहिए उनकी वैल्यू क्या है फोकस लिखवाया था डायरेक्ट्रिक्स लिखवाया था वर्टेक्स लिखवाया था और एक्सिस लिखवाया था अब फोकस मैंने ड्रॉ कर दिया वर्टेक्स की बात करें तो यहाँ पे वर्टेक्स क्या हो जाएगा चेक कीजिए 0 0 हो जाएगा कर्व और एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सिमिलरली हियर इट इज 0 0 सिमिलरली हियर इट इज 0 0 एंड इन दिस अगेन 0 0 उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था डायरेक्ट्रिक्स और लेटेस्ट रेक्टम अब डायरेक्ट्रिक्स क्या है कि मूविंग पॉइंट हमारा P है तो मूविंग पॉइंट कर्व के ऊपर होएगा दिस इज फोकस तो डायरेक्ट्रिक्स फोकस के ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है और क्योंकि पैराबोला के केस में डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस और फोकस का डिस्टेंस इक्वल होता है तो वी हैव टू कंसीडर कि ये जो 0 0 है ये एक तरह से मिड पॉइंट है तो डायरेक्ट्रिक्स की लाइन हम लोग कहां ड्रॉ करेंगे इस डायरेक्शन में ड्रॉ करेंगे इस साइड x डैश एंड डायरेक्ट्रिक्स विल बी अ स्ट्रेट लाइन ठीक है जी अब स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन की कुछ इक्वेशन भी होगी और ये इक्वेशन कहां होगी चेक कीजिए यहां से जितना डिस्टेंस पे फोकस होएगा यहां से उतने ही डिस्टेंस लेफ्ट हैंड साइड पे डायरेक्ट्रिक्स भी होगी तो अगर ये a कॉमा 0 है तो दिस पॉइंट विल बी माइनस a कॉमा 0 तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी x इज इक्वल टू माइनस a सिमिलरली यहां डायरेक्ट्रिक्स इस साइड पे हो जाएगी एंड दिस पॉइंट विल बी a कॉमा 0 और x इज इक्वल टू a विल बी द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स यहां बात करते हैं 0 a तो डायरेक्ट्रिक्स यहां आ जाएगी दिस पॉइंट विल बी 0 - a और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो जाएगी y = -a इधर बात करें तो डायरेक्ट्रिक्स ऊपर की साइड पे चली जाएगी ये पॉइंट 0 - a है तो ये पॉइंट 0 a हो जाएगा देन इक्वेशन विल बी y = a हो जाएगी ठीक है जी अब इसके बाद लास्ट टर्म हमारे पास आ जाती है लेटेस्ट रेक्टम कौन सी थी फोकस में से एक स्ट्रेट लाइन पास हो रही थी जो एक्सिस के परपेंडिकुलर है मैं डॉटेड ड्रॉ कर देता हूं सो दिस विल बी द लेटेस्ट रेक्टम फॉर दिस पैराबोला सिमिलरली लेटेस्ट रेक्टम इधर हो जाएगी ये और यहां लेटेस्ट रेक्टम फोकस में से पास होनी है और परपेंडिकुलर टू एक्सिस होनी है
और लेटर स्पेक्ट्रम में बेटा जी एक बार याद रखिएगा, हम लोग लेटर स्पेक्ट्रम की इक्वेशन की बात नहीं करते, लेटर स्पेक्ट्रम की वैल्यू की बात करते हैं, कॉर्ड की लंबाई कितनी है हमारे पास, ठीक है जी। तो याद रखना एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, हर एक केस में जो लेटर स्पेक्ट्रम की लेंथ होती है दैट इज इक्वल्स टू 4a, वो मैं लिखवाता हूं आप लोगों को। फिलहाल आप लोग ये डायग्राम्स ड्रॉ कर लीजिए, पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर एक टेबल ड्रॉ करते हैं, स्टार्ट करते हैं। चार तरह का पैराबोला है हमारे पास, और इन चार तरह के पैराबोला के अकॉर्डिंगली इसकी डिफरेंट नोटेशंस हम लोगों को पता होनी चाहिए। सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाता है, एक्सिस ऑफ पैराबोला, पैराबोला का एक्सिस क्या है। अब देखिए y square is equal to 4ax, अगर आपने अपने माइंड में बिठा के रखा है y square is equal to 4ax was right parabola, right parabola है तो इसका मतलब इसका एक्सिस क्या हो जाएगा, x एक्सिस हो जाएगा, और x एक्सिस की इक्वेशन होती है y is equal to 0, स्ट्रेट लाइन के चैप्टर में मैंने आपको बताया था। सिमिलरली y square is equal to minus 4ax that was left parabola, again its axis is y is equal to 0, एक्सिस के रिजिकल टू 4ay वाज अपवर्ड पैराबोला और इसका एक्सिस कौन सा था, वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस की इक्वेशन हो जाती है x रिजिकल टू 0, सिमिलरली हियर x रिजिकल टू 0, सो दिस विल बी द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। उसके बाद सेकंडली बात करते हैं वर्टेक्स, पैराबोला के केस में वर्टेक्स सभी केसेस में स्टैंडर्ड फॉर्म में 0 0 होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म 0 0, आई एम अगेन यूजिंग द वर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म इसलिए क्योंकि हम लोग ये कंसिडर करते हैं कि इनका एक्सिस आइदर एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, अदरवाइज वैसे पैराबोला पता क्या होता है कि अगर हम लोग इस तरह से ड्रॉ करते हैं, अगर कोई कर्व इस तरह से बन जाए या इस तरह से बन जाए या इस तरह से बन जाए या इस तरह से बन जाए, इवन देन ऑल दीज कर्व्स आर कंसिडर्ड एज पैराबोला, लेकिन इनके एक्सिस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस नहीं होते, तो ये स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं होते। For the time being, आपके सिलेबस में सिर्फ स्टैंडर्ड पैराबोला है, that's why I am considering only x-axis as well as y-axis, ठीक है जी? अब बात करते हैं, वर्टेक्स के बाद हमारे पास फोकस आ जाता है, फोकस, फोकस ये था हमारे पास राइट पैराबोला y square is equal to 4ax, जिसका फोकस कौन सा साइड पे था, राइट हैंड साइड ऑन द या पॉजिटिव साइड ऑफ x-axis, तो इसका फोकस क्या था, a, 0, its focus is minus a comma 0, its focus is 0 comma a, and its focus is 0 comma minus a. After that, equation of directrix. Directrix की equation क्या थी? मैंने आपको बोला था कि जितनी दूरी पे focus है vertex से, उतनी ही left hand side पे या उसके opposite side पे directrix होगी। तो x equals to a था, तो यहाँ क्या हो जाएगा? X equals to minus a. क्योंकि right parabola है, तो directrix left hand side पे होगी। और लेफ्ट पैराबोला है तो डायरेक्ट्रिक्स राइट हैंड साइड पे होगी, सो इट इज x = a, अपवर्ड पैराबोला है तो डायरेक्ट्रिक्स विल बी बिलो द x एक्सिस, और डाउनवर्ड पैराबोला है तो डायरेक्ट्रिक्स विल बी अबव द x एक्सिस, और अकॉर्डिंगली हमारे पास इक्वेशन बन जाती है x = - a, x = a, y = - a एंड y = + a। इसके बाद हमारे पास आ जाता है लेटर स्पेक्ट्रम, और बेटा लेटर स्पेक्ट्रम मैंने बोला है कि इट इज अ कॉर्ड, तो कॉर्ड की लेंथ फाइंड आउट करते हैं, इक्वेशन नहीं फाइंड आउट करते हैं हम लोग, तो यहां पे लिखेंगे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो ये स्टैंडर्ड है हर एक केस में 4a, ठीक है जी, क्योंकि लेंथ की बात की जा रही है, लेंथ इज द डिस्टेंस और डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, चाहे अपवर्ड डायरेक्शन हो, चाहे डाउनवर्ड डायरेक्शन, चाहे राइट डायरेक्शन, चाहे लेफ्ट डायरेक्शन, तो लेंथ की बात की जाती है, लेंथ हमेशा हमारे पास पॉजिटिव होती है, और स्टैंडर्ड रिजल्ट हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ लेटर रेक्टम इज 4a, अंडरस्टैंड।